तमाम पदाधिकारी तो रात रात भर गोली बारी मोड़ पर उधर उधर सब कोई बैठा है। हमको आज तक अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये घटना घटती कैसे और होता क्यों। जो भी आदमी अगर जाता है या चला गया या किसी के साथ गलती हो गया तो ये इतने सारे ढेले कैसे आ जाते हैं रोड पर। आज हम आपको ये बात बता दूं, आज हमारे हिसाब से हम लोग के एरिया में मान लीजिए कहीं अगर किसी से सच्चाई बात हम बताते हैं आपको, या हमारे घर में या आसपास कोई भी घर में अगर कोई चीज़ हो जाता है तो पूरा मोहल्ला आके नहीं आता है और बोलता है कि दर्द हमारा क्या मतलब है यार अपना लड़ाई अपने सामने। मगर वहाँ के लड़ाई में हम ये देखते हैं कि लोग इस तरीके का विमर्श फैलाते हैं आगे जाके हो गलो कि पूरा तमाम गया आ जाता है, तमाम हर जगह के लोग आ जाता है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और जो उस जगह का घटना है, मैं हलीम भाई आपको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जो उस जगह का वहाँ पर छोटे तबके के जो लोग हैं जो पीना चुनते हैं जो बोतल चुनते हैं जिससे किसी को कोई मतलब नहीं रहता, ऑकरेंस करने वाले वही लोग रहते हैं बिल्कुल, जिसको कोई मतलब नहीं है कि बिल्कुल। अगर होता क्या है इसमें, अगर कोई चीज़ अगर आपकी तरफ से हो गया तो लोग समझता है उधर जाके क्या हुआ, हो गया। तमाम पदाधिकारी नए नए हमारे DIG साहब आए, नया CT SP साहब आए, रात में ठेला चला दिया, गलती से हम लोग आगे बढ़े लग गया, हाथ में हाथ फ्रैक्चर कर गया साहब। कौन सा ऐसा युद्ध हो रहा है हम लोग में, CT SP के हाथ टूट गया, DDC साहब के पैर में चोट लग गया, थाना प्रभारी कहीं का देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जूता चप्पल सब चला बिगा गया एकदम इस तरीके का। और मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और मैं मांग करता हूँ और आप लोग के द्वारा दिया जाता है हर बार, इसमें डीजे नहीं लाना है। अगर अभी देखिए मंदिर मस्जिद पर बात हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश है न मस्जिद से ऐलान होगा माइक का, न इतना जब पाबंदी लगा दिया है लोग तो आपका डीजे जो जाता है लगता है कि चला करेजा ढक जाता है। भाई बात कुछ होता है स्टाइल से, अगर मजाकों से ऐसे ऐसे कीजिएगा लड़के बात वहाँ पर क्या होता है कोई नहीं समझ नहीं समझ। डीजे का आवाज़ जाता है, डीजे बंद करो आवाज़ हो गया मालूम हुआ कि लड़ गया। सबसे पहले इस डीजे पर आपको रोक लगाना होगा। तमाम पदाधिकारी यहाँ लोग हैं, CO साहब भी हैं यहाँ, मैं मांग करता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो इसको आपको डीजे पर हर हाल में रोक लगाना होगा। मूर्ति जाता है, ताजिया जाती है, कोई भी चीज जाए किसी को कोई एतराज नहीं है। और कोई आदमी मूर्ति लेके जाता है तो ये नहीं चाहता है या किसी का बाल बच्चा जाता है वो दुनिया के लिए अकेला है, मगर अपने परिवार के लिए वो एक शख्स पूरा दुनिया है। ये चीज़ जान लीजिए आप, किसी के परिवार में अगर किसी तरह का चाहे कोई चलता है अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी हानि है। और कोई भी आदमी समझ के ये नहीं निकलता है कि हमारे साथ ये घटना हो। हम सबके से बोलते हैं, सब समाज से लोग आए हुए हैं, इस तरीके का घटना एकदम नहीं होनी चाहिए। सबको आपस में प्यार से आदमी ऊपर वाला जिंदगी दिया है, कितना दिन का जिंदगी है यार, आपस में मिल के रहिए सबको। और जो करने वाला है उसको चिन्हित करना है। हम लोग जितने भी आदमी आए हुए हैं सब कोई परेशान रहते हैं, सब कोई बचाता है, सब कोई चाहता है कि अपने परिवार में सुरक्षित, जब हम घर से बाहर निकलें तो उसका परिवार चाहता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी मेरा परिवार मेरा पापा सब सुरक्षित घर वापस लौटे। और इस तरीके का ऑपरेशन किसी का हाजत